पश्चिम चंपारण के मझौलिया चौक के निकट ठेला पर खीरा बेचने वाले एक युवक पर पुलिस ने डंडा चला दिया। नतीजा ये हुआ कि खीरा बेचने वाला पन्ना लालसा जख्मी हो गए। इस घटना से आक्रोशित ठेला चालकों ने गोला बंद होकर मझौलिया चौक से चौराहे पर हंगामा कर सड़क जाम कर दिया और टायर जलाकर आगजनी की। बताया गया कि पिछले चार दिनों से मझौलिया सब्जी मंडी को दिनवालिया की ओर स्थानांतरित करने की पहल पुलिस द्वारा की गई है। अभी मझौलिया हाई स्कूल के मैदान में सब्जी बिक रही है। यहां से सटे क्वारंटाइन सेंटर है, इससे बचाव के लिए प्रशासन सब्जी मंडी को दिनवालिया चुन्नी के पास भेजने की घोषणा की है, परंतु सब्जी विक्रेता वहां नहीं जाना चाहते। इसी पर पुलिस और सब्जी विक्रेता आमने सामने आ गए। सोमवार के दिन पुलिस की पिटाई से इस मामले को बल मिल गया और सब्जी विक्रेता गोलबंद हो गए। थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि ठेला चालक खीरा विक्रेता को PHC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वो जा रहे थे गली से रूम पर वापस, दीपन शुक्ल जी थे, वो बंदूक के नाल से मारे थे, डंडा से मार के हाथ तोड़ दिए और बोल रहे हैं कि खर्च हम देंगे, तो थोड़ा हम देंगे, इलाज के लिए हम देंगे। वो ऐसा करेंगे तो लिखित कर दीजिए, बोल रहे हैं कि खर्च हम चलाएंगे, थाना में क्या है बचे हुए और देख रहे हैं अन्याय हो रहा है व्यापारी के साथ, मना नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, बहुत हाथ जोड़े हुए हैं, मगर हम पे डांटा गिरा हुआ था, गिरते गिरा गया हुआ बंदूक के कुंडी से मारा गया हुआ है। अरे हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं तो प्रशासन आकर हम लोग को दुकान बंद कराए, कह रहा है उधर जाओ। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ लोग बेचे नहीं तो हम लोग बाजार में दिया जाए सेपरेट कहीं। बताइए हम लोग कहाँ बिनोलिया मोड पर जाएंगे, कहाँ स्कूल में जाएंगे, वहाँ कोई सुविधा है घाम में हमारे हम लोग को सब धासा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट VSRS न्यूज पश्चिम चंपारण बिहार।